परिवार के बच्चे अब इनके जैसे लुटेरे और भ्रष्टाचार हो गए हैं, जो अपनी जेब दूसरे के पैसों से भर रहे हैं, तो ये फीस को 3 गुना 4 गुना 5 गुना सुबह उठकर बढ़ाने का काम करती है। और जब कोई न्यूज चैनल वाला आता है, कोई रिपोर्टर आता है, हालांकि छात्रों से बात करने की अवकाश पूरे विश्वविद्यालय प्रशासन में किसी की नहीं है। क्योंकि जो युवा होता है उसकी एक खूबी होती है कि वो न्याय के साथ अपने आप ही खड़ा हो जाता है। वो किस विचारधारा का है, किस पार्टी से आता है, किस जात से आता है, ये मायने नहीं रखता है। युवा सिर्फ वही है जो न्याय का पक्षधर है। आप लोग बैठ जाए ताकि आपके भाई भी आवाज आप सुन सके। जो जहाँ है वही बैठ जाए, बैठ जाइए, आज अगर आपका पैंट गंदा होगा तो आपके भाइयों का भविष्य गंदा होने से बचेगा। आज अगर हम और आप अगर डर कर यहाँ से चले गए, अगर हम और आप आज डर कर विश्वविद्यालय कैंपस छोड़ के चले जाते हैं, तो वास्तव में आने वाली नस्लें कभी लड़ाई नहीं लड़ पाएंगी। वास्तव में आजादी का क्या मतलब था? ये आजादी थी कि बिना छात्रों से पूछे उनकी फीस 3 से 4 गुना बढ़ा दी जाए। ये आजादी थी कि उनको प्रदर्शन करने का भी मौका ना दिया जाए। 15-15, 20-20 दिन आमरण अनशन करिए और ये तानाशाह कुलपति और इसका भ्रष्ट प्रशासन हमसे मिलने के लिए 1 मिनट का फुर्सत नहीं पाता है। यहां रोकने के लिए, हमारे मंसूबों को तोड़ने के लिए हमारे सामने पुलिस प्रशासन को लाके खड़ा कर देती है, जो हमारे और आपके तरह ही सामान्य परिवारों से सिपाही और दरोगा भर्ती हुए हैं। बड़े बड़े राजघरानों का, पूंजीपतियों का और कुलपतियों का हमेशा से ये काम रहा है कि सामान्य वर्ग के छात्रों से पुलिस का मुठभेड़ कराते रहे, ताकि ये दोनों आपस के लड़ाई में मशगूल रहे और ये ऊपर के पदों पर बैठकर मलाई चाटते रहे। इनके पति विक्रमनाथ जी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं। ये अपनी ताकत का नाजायज फायदा उठाते हैं और अपनी ताकत की आजमाइश हम जैसे छात्रों पर करते हैं। लेकिन ये जान ले कि हम छात्र हैं, कोई आतंकवादी नहीं जो इनसे लड़ नहीं पाएंगे। हम कलम लेके विश्वविद्यालय आते हैं, AK-47 लेके नहीं। हम इनको कलम की ताकत और अपनी एकजुटता की ताकत से इनके इस आम को अपने जूते की नोक पे रखेंगे। इनको झुकाने का ही नहीं बल्कि इनको जमीन दोज करने का काम करेंगे। मेरे भाइयों, जब हम लोग क्लासों में कैंपेनिंग करने के लिए जाते हैं, पर्चा वितरण करते हैं, तो कुछ लोग ये सवाल उठाते हैं कि विश्वविद्यालय के मौलिक छात्र आप लोगों के साथ नहीं है। लेकिन मदन मोहन मालवीय जी ये कहा करते थे, एक वाकया है आजादी के समय का असहयोग आंदोलन का, मैं आपको बताना चाहता हूं। महात्मा गांधी जी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आते हैं और वहां के तत्कालीन कुलपति महामना मदन मोहन मालवीय जी से मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि हमको इन अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ विश्वविद्यालय के छात्रों को भी असहयोग आंदोलन में सहभागी बनाना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं कि छात्रों का काम है पठन पाठन, और कोई सरकार, कोई
भ्रष्ट प्रशासन या कुलपति अगर उनके मंसूबों पर उनके पठन पाठन में व्यवधान डालती है तो सड़क पर जरूर आएंगे और वो अपने देश की लड़ाई आगे चलकर लड़ेंगे और ऐतिहासिक असहयोग आंदोलन में बीएचयू के छात्रों और वहां के प्रोफेसरों का सहभागिता रही। और हम लोग ऐसे ऐतिहासिक विश्वविद्यालय से आते हैं, महामना मदन मोहन मालवीय जी को ये जो मजबूत सोच मिली थी वो इसी विश्वविद्यालय कैंपस से मिली थी। अगर हम बात करें प्रधानमंत्रियों की तो तीन प्रधानमंत्री आगे बीपी सिंह चंद्रशेखर और गुलजारी लाल नंदा, आगे आगे दो तो राष्ट्रपति, 27 से अधिक मुख्यमंत्री, 19 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब अगर हम ऐसे IAS IPS SDM DM की बात करेंगे तो हो सकता है जो SDM महोदय अभी हमसे आपसे यहाँ लड़ाई लड़ रहे थे, हो सकता है वो भी इसी प्रांगण में 200 रुपया 400 रुपया फीस में पढ़ के आए।